बीते 30 जून को पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। ज्यादातर लोगों को उम्मीद था कि इस बार भी लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया। अब से आधार पैन की लिंकिंग कराने पर पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 30 जून तक आधार पैन की लिंकिंग पर ₹1,000 का चालान कटवाना पड़ रहा था। हालांकि इस दौरान कई लोगों को दिक्कतों का भी खूब सामना करना पड़ा है। ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसे कुछ मामले सामने आए हैं जहां पैन कार्ड धारकों को आधार पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगिन करने के बाद पोर्टल के ईपे टैक्स टैब में जांची जा सकती है। अगर भुगतान सफल होता है तो पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जैसे ही पैन कार्ड धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करते हैं, चालान की संलग्न प्रति के साथ पैन कार्ड धारक को एक ईमेल भेजा जा रहा है। हालांकि ऐसे मामलों में लोगों को राहत दी गई है जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30 जून तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंकिंग नहीं हो सका है। इस स्थिति में पैन को निष्क्रिय करने से पहले आयकर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। निष्क्रिय होने का मतलब यह है कि आप ना तो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और ना ही आयकर रिफंड ले सकते हैं। आसान भाषा में अगर समझें तो फाइनेंस से जुड़े उन सभी काम में आपको दिक्कत हो सकती है जिसमें पैन कार्ड का इस्तेमाल होता है। वैसे तो सरकार ने अब तक लिंकिंग की डेडलाइन नहीं बढ़ाई है, लेकिन अब भी आप आधार और पैन को लिंक करा सकते हैं। अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा जुर्माना देना पड़ सकता है। 30 जून तक ₹1,000 जुर्माने के साथ लिंकिंग कराने का प्रावधान था। बता दें कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको आयकर ई फाइलिंग पोर्टल की वेबसाइट income tax india efiling.gov.in पर जाना होगा।